सुना है बहुत सस्ता है खून, वहाँ का एक बस्ती है जिसे लोग कश्मीर कहते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका भाई महमूद मुगल। जैसा कि आपको मालूम है कि आज 5 फरवरी कश्मीर डे है। कश्मीर एक जन्नत है, ये ना कभी काफिर को मिली है ना मिलेगी। कश्मीर भाइयों पर सालों साल से जुल्म ढाए जा रहे हैं, कभी कर्फ्यू की सूरत में, कभी उन्हें नज़र बंद करके, कभी उन पर जुल्म तशद्दुद करके, कभी उनको शहीद करके। तो यहाँ पे आए लोगों से बात करते हैं कश्मीर डे के हवाले से, वो कश्मीरियों को क्या पैगाम देना चाहते हैं, मोदी सरकार को क्या पैगाम देना चाहते हैं, और हमारी जो हुकूमत है, क्योंकि कश्मीर को एक आलमी सतह की मदद की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ पाकिस्तानी लेवल की सिर्फ। तो लोगों से पूछते हैं कि वो क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारी हुकूमत को और बाकी मोदी सरकार को और कश्मीरी भाइयों के लिए स्पेशल, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अंकल जी आपका नाम? मेरा नाम परवेज अख्तर है और खोखो। अच्छा अंकल जी, आज हम कर रहे हैं कश्मीर डे पे ना कश्मीरी भाइयों के लिए एक मैसेज और मोदी सरकार के लिए कोई आपका कोई पैगाम हो। ठीक है, मोदी के लिए ये पैगाम है कि आप इंसान बने और ये हमारे जो कश्मीरी भाई है ना, इनको खुदा के लिए आज़ाद कर दें। आपको इस आज़ादी का पता है कि आज़ादी क्या है? आपने खुद आज़ादी ली है और तुमने मोदी साहब खुद किसी को पाबंद किया हुआ है, गुलाम किया हुआ है इसकी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी आपको पता ही नहीं आज़ादी क्या होती है। हम कश्मीर भाइयों के लिए अच्छी दुआ करते हैं और सुबह शाम करते हैं, और हमारी ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक इस हिंदुस्तान से हमारे कश्मीरियों की आज़ादी को आज़ाद कर दे। अच्छा, ये कश्मीरियों पे कभी मोदी सरकार कभी कर्फ्यू लगाती है, कभी उन पर नज़र बंद होते हैं, और कभी कश्मीरियों को शहीद करें, इस बारे में आपका क्या कहना है? असल में पता क्या है, ये हिंदुस्तान भी जानता है और ये जानता है कि आज तक हमने कश्मीर को गुलाम ही नहीं कर सके, इसलिए जो है ना ये जुल्म और सितम करके ना ये गुलाम करना चाहते हैं, और ये बहुत ही जुल्म कर रहे हैं, और ये जितना जुल्म कर रहे हैं खुदा ताला की लाठी जो है ना बड़ी बेआवाज़ है, और इंशाल्लाह इन पे भी पड़ेगी। और इनको चाहिए इंसानियत के नाते, इंसानियत के नाते खुदा के लिए मैं इससे रिक्वेस्ट करता हूँ, और इससे मेहरबानी आप मोदी साहब मेरी बात सुन लें कि आप हमारे भाइयों को आज़ाद कर दें, और जितनी जल्दी हो आज़ाद कर दें। ये मुसलमान का जज्बा आप नहीं जानते, ना आप मुसलमान हैं ना जज्बा जानते हैं। जब आप मुसलमान होंगे ना इंशाल्लाह आपको पता होगा कि मुसलमान क्या है। मुसलमान जब चाहेगा, जिस वक्त चाहेगा, आपसे कश्मीर ले भी सकता है और छीन भी सकता है। हम अभी तक देख रहे हैं उत्तरी सतह पर कि वो हमारे साथ क्या करता है। जब हमारा पाकिस्तान सीधा होगा इंशाल्लाह कश्मीर हमारे के साथ। आप जैसे अभी कह रहे थे कि ऊपर वाली सतह पे आप देख रहे हैं, आप इमरान खान को ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो क्या करें, क्योंकि इमरान कश्मीर को आज भी इंसाफ की जरूरत है सिर्फ पाकिस्तान लेवल का तक नहीं। इमरान खान जो है ना, इमरान खान जो है ना वो बहुत अच्छा सफीर है और बहुत अच्छी वकालत कर रहा है। ये देखो ना, कभी हमने ऐसे नहीं माजरा देखा कि 5 फरवरी को छुट्टी ऐसी हमने नहीं देखी। मुकम्मल मार्केटें और मुकम्मल स्कूल सरकारी दफातर ये बंद किए हैं, और कश्मीर ये इमरान खान की वजह से है जो आज 5 फरवरी मनाई जा रही है, और ये कश्मीर भाइयों के हक में है। हम इंशाल्लाह इनके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला इनके लिए ये मुसीबत जो है ना हिंदुस्तान ये टाल दे, और जितनी जल्दी हो अल्लाह पाक इन्हें हिंदुओं को, हिंदुओं ने खुद आज़ादी ली है, इनको पता ही नहीं है कि आज़ादी क्या है। अगर इनको पता होता ना आज़ादी क्या है, हमारे कश्मीर भाइयों को आज़ाद कर देते, और अच्छा है कि वो कर दें आज़ाद, मेहरबानी होगी इनकी। ये हिंदुस्तान बैठ के सोचे ना, आज तक किसी कश्मीरी को गुलाम कर सका है? नहीं कर सका। जुल्म जबर ये सारा कुछ सितम कर रहा है, मगर कश्मीरी एक भी इनके आगे नहीं झुका, और इंशाल्लाह नहीं झुकेगा। ये मुसलमान है, इंशाल्लाह ये मुसलमान है, और मुसलमान बिल्कुल नहीं झुकता। मुसलमान अल्लाह की रज़ा के लिए सिर झुकाता है और अल्लाह की रज़ा के लिए मरता है। ठीक है ना, हमारा ईमान है कि हमारी मौत है, हमें मौत से डर नहीं लगता। कश्मीरी भाइयों, अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदरुस्ती और ईमान दे, और आपके साथ खुफिया ताकत भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है ना वो गैबाना ताकत भी लाएगा, और आपको आज़ादी देगा। अल्लाह ताला हामी व नासर हो, और आप इंशाल्लाह दुआ किया करें हमारे हक में भी, हम आपके हक में दुआ करेंगे। हम पाकिस्तानी हैं, हम कश्मीरी हैं, हम मुसलमान हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, और कश्मीर जिंदाबाद, पाइंदाबाद।
सबसे पहले मैं पाक फ़ौज को सलाम पेश करना चाहता हूँ क्योंकि उनकी वजह से हम सेव हैं। अगर वो ना होते तो हमारा हाल भी कश्मीरियों जैसा होता। और अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप कश्मीरी भाइयों के लिए कोई मैसेज देना चाहें? अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैं सिंध से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं वज़ीर आज़म इमरान खान को यही कहना चाहूँगा कि पिछले कई सालों से हमारे कश्मीरी भाइयों के लिए बहुत अजाब बहुत तकलीफ़ें हुई है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा हम सब भाइयों को मिलकर हमारे चीफ आर्मी साहब को भी यही गुजारिश करूँगा कि सब भाई मिल के हम कश्मीरियों के मसला हल कर सकें। पिछले कई सालों से उनके साथ बहुत मसला पेश आए हुए हैं, ना हम उनकी कोई हेल्प कर सकें आज तक, ना कोई चीज़। और मैं मोदी सरकार को यही कहना चाहूँगा, अगर बुरी आँख से पाकिस्तान या कश्मीर भाइयों की तरफ से देखा भी तो हम एक एक पाकिस्तान का बच्चा उठ उठ के भी एक एक चंपल से तुझे मार देगा। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अच्छा, जैसा कि आपको मालूम है कि आज 5 फरवरी कश्मीर डे, तो उस हवाले से अगर आप कोई कश्मीरी भाइयों को मैसेज देना चाहेंगे? हुकूमत आपका साथ देना चाहिए, हम आपके साथ हैं, इंशाल्लाह आपके साथ सब के साथ रहेंगे। और हुकूमत को भी चाहिए कि वो कश्मीर को भी कश्मीर के लिए कुछ सोचे, दूसरे सियासत से हटकर कश्मीर के लिए भी देखे कुछ करें। और मोदी को यही पैगाम है कि वो बंदे का इंसान बन जाए और ये सब करना बंद करके कश्मीर की हमारे भाई हैं और उनके साथ पाकिस्तान जनता पार्टी से। अस्सलाम वालेकुम। सर आपका नाम? मोहम्मद खान। अच्छा सर, आपको मालूम है कि आज 5 फरवरी कश्मीर डे है, अगर आप कश्मीर भाइयों के लिए कोई मैसेज देना चाहें? कश्मीरी हमारे तो भाई है, हम उनके साथ हैं, जो कश्मीर आज़ाद होना चाहिए पाकिस्तान का हिस्सा है। ठीक है, आपके कहने का मतलब है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह? इंशाल्लाह बनेगा पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। अगर आप कोई मोदी जो सरकार है आप अगर उसके लिए कोई मैसेज देना चाहें वो भी? सरकार तो देखो इंडिया वालों के साथ नहीं है, उनका अलग पार्टी है, दुश्मन है। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? जैसा कि आपको मालूम है कि आज 5 फरवरी है, तो आप कश्मीर डे है, तो कश्मीर डे के हवाले से अगर आप कोई कश्मीरी भाइयों को मैसेज देना चाहें? मैं कश्मीरी भाइयों को पहले सलाम देता हूँ, तो उसके लिए जो करता हूँ हम उसके साथ हर जगह पर उसके लिए निकलता हूँ, कुछ उसके लिए होता है मस्जिद और पास जो उसके लिए करता हूँ, उसको आज़ाद करेगा। और कृष्ण भाई के साथ हमारा बच्चे है, हमारा भाई है, हमारा सब पंडा उसके साथ है। कृष्ण बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान भाई हैं हमारे मुसलमान हैं, हमारे जान उसके कुर्बान है, बच्चे कुर्बान है, मोदी तो गद्दार है, मैं खुद मुसलमान है, कश्मीर के लिए मैं जान दे हमारे जान बच्चे कुर्बान कर दें, लड़ने को तैयार है मोदी के साथ और हमें कश्मीर आज़ाद होना चाहिए। आप कश्मीर के साथ हैं, कश्मीर के लिए आपकी जान, आपके बच्चे, आप कमाल हर चीज़ कुर्बान हैं, तो आप हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो मुझे मैसेज देना चाहते हैं? हम लोग कुर्बान होंगे, हम बच्चे भी कुर्बान करते हैं, पूरी कुर्बानी देनी पड़े, जंग करें और मेहनत करें, जो कुछ करें उसको आज़ाद करा रहे। आप हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे कि वो हर साल रेलिये तो निकालते हैं मगर पाकिस्तानी लेवल पे निकालते हैं, मगर जो कश्मीरियों को ज़रूरत है वो आलमी इंसाफ की ज़रूरत है, पाकिस्तान लेवल के इंसाफ की ज़रूरत नहीं है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? 50 साल उम्र होंगे, 10 साल होंगे, हम सुनने लगे जो भी लीडर आता है पहले ये बयान करते हैं हम कश्मीर को आज़ाद कराएंगे, वो कश्मीर आज तक आज़ाद नहीं हुआ। जितने हम इनका रैली निकालते हैं, जितने हम लोग रैली तो निकालते हैं, रैली निकालने का फायदा नहीं, वो इसलिए जो काफ़ी जो रैली निकालते हैं वो हिंदू लोग कश्मीरी को शहीद, रोज दो कश्मीरी शहीद होते हैं, आज सुन लेना, आज बोलेंगे 10 कश्मीरी शहीद। जब रैली हम लोग निकालते हैं तो वो हद लोग होता है रैली निकालने में कोई फायदा नहीं, जद्दोजहद करें, मिन्नत करें, बड़े बड़े मुल्कों को बोले, जंग करें, उनको आज़ाद करना।